उत्तर प्रदेश के खादी ग्राम उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे औद्योगिक गतिविधियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन हटता है तो उद्योगों को शुरू करने की कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ प्रमुख सचिव ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए और उसका आवेदन जनवरी माह से जमा है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए, जिससे मुख्यमंत्री के मंशानुसार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इस मौके पर उपायुक्त राजकुमार शर्मा, खादी ग्रामोद्योग के NP शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रम जो है उनको स्वरोजगार में लगाने वाले कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रम में हमने मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से उद्देश्य ये पूरा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान भी अभी कॉमन सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं, इस भी हमने ऑनलाइन कर दिया, उसको ऑनलाइन से शुरू कर दिया है। इसी तरह से खादी बोर्ड की भी मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, वो भी ऑनलाइन है। ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, वो भी ऑनलाइन है। तो जो योजनाएं ऑनलाइन है उनमें तो हम 10 मई से ये शुरू करना चाहते हैं कि 10 मई से हम एक विज्ञापन निकाल के जो भी हमारे इसके लाभार्थी हो सकते हैं पोटेंशियल, उनसे कहें कि भाई वो ऑनलाइन अप्लाई करें, और ऑनलाइन जो अप्लाई करें उनको फिर हम आगे प्रोसेस करें, बैंक को भेजें, बैंक को भी ऑनलाइन भेजें, फिर आगे उसका प्रोसेस करें। ये तो ये कदम होना है, इसका एक शेड्यूल बना है के चलना है हमको। दूसरा जो सबसे जरूरी है, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कि बैंक ने पिछले लास्ट क्वार्टर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में जनवरी से जो लोन सैंक्शन कर दिए हैं लेकिन अभी डिसबर्स नहीं हुए, तो हम तो ये पूरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि रूरल अर्बन जितने भी हमारी स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनका एक मिला के लॉकडाउन खुलने के बाद स्वरोजगार मेला, ऋण वितरण मेला आयोजित किया जाए। तो जो ऋण वितरण मेला आयोजित किया जाएगा उसमें जो ऑलरेडी सैंक्शन लोन्स हैं उनको डिसबर्समेंट उनका आसानी से हो सकता है, और जो बैंक में पड़े हुए हैं सैंक्शन के लिए वो मैं बैंक से अनुरोध करूंगा, हमारे रामजस यादव जी हैं जनरल मैनेजर, मीनर है वो भी, अभी आप भी उन्होंने ज्वाइन किया है, आप हमारे पूरे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बैंक में ऐसे एप्लीकेशन को, ऐसे पेपर्स को जल्दी प्रोसेस करें, हम सब मिलके ये जो एक सरकार का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि आर्थिक गतिविधि शुरू हो, लोगों को हम रोजगार में लगाएं, वो तत्काल शुरू किया जाना है। उसमें प्रोसीजर और फाइल और ये सब अलग रखी जानी है फिलहाल, लेकिन ये काम प्रारंभ होना है कि कौन सी ब्रांच में लोन एप्लीकेशन सेंक्शन हो गए लेकिन डिसबर्समेंट के लिए पड़नी है। तो सबको पर्सनली इधर पीछा करके अगर लाभार्थी को लाना पड़ता है तो आप अपना वाहन इस्तेमाल करिए, आप सब हर जिले में आपके वाहन पे वाहन पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी को लाके आप उसका पेपर वर्क पूरा करा सकते हो। रजिस्ट्री के कार्यालय खुले हैं, अगर कोई एग्रीमेंट में रजिस्टर होना है तो वो भी हो सकता है, स्टैंप पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जब अवेलेबल है तो हम लोग प्रयास करके जो सैंक्शन लोन है उनको भी डिस्बर्स कराएं, और उसके लिए जो है वो हमने एक शेड्यूल भी हमने बना लिया है। हमारे साथ रामजस यादव जी आ गए हैं, तो मैं एक मिनट रामजस यादव जी से अनुरोध करूंगा कि जो बैंक्स, मुझे मालूम है बैंक्स भी कमिटेड है,